क्या बात है दादा, आज एकदम लाइन से स्विफ्ट रखे हैं। बहुत सारा स्विफ्ट है यहाँ पे, इसमें भी डिस्काउंटेड गाड़ी है। डिस्काउंटेड गाड़ी है। तो आप बोलिए कौन सा है, पेट्रोल या डीजल? देखिए अगर सच बोले तो डीजल का डिमांड बहुत है। डीजल का कहता कि डीजल मारुति ने स्टॉप कर दिया है। एक अच्छा सा कार दिखाइए हमें। तो आ गए हैं डीजल गाड़ी में। अच्छा यही है, यही है, ये अच्छा। है डीजल गाड़ी। ओके। ये आपका 2013 का गाड़ी है। अच्छा ठीक है ना, जो लोग मतलब चाहते कि थोड़ा सा डीजल में लूं या गाड़ी माइलेज का माइलेज लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल करते हैं और थोड़ा सा कम बजट में चाहिए, क्योंकि ज्यादा बजट अभी खर्च करने के मूड में नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत बजट का बजट में कार मिलेगा, पॉकेट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं। अच्छा 13 का गाड़ी है। ओके। 23 तक टैक्स था। अच्छा। खत्म हो गया था। हाँ। 24 है। हाँ। टैक्स पेड कर दिया 28 तक। 28 तक टैक्स। और इसका भी जो प्राइस है 2,80,000। 2,80,000। गाड़ी में एक्स्ट्रा फिटिंग जो लगा हुआ है, मैं बोलता हूँ महिंद्रा का गार्ड लगा हुआ है। अच्छा, कंपनी फिटेड, कंपनी फिटेड गार्ड है। ग्रेड वॉस 2019 अक्टूबर की गाड़ी है। अच्छा ठीक है, S11 2024 अक्टूबर तक टैक्स पेड किया हुआ है। क्या बात, सब कुछ वैलिड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ। ब्रांड न्यू चारों टायर लगा हुआ है। हाँ। एक सप्ताह भी नहीं हुआ है गाड़ी। जी जी ठीक है, बैक कैमरा से लेके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, म्यूजिक सिस्टम, आपका स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हिल क्लाइम असिस्ट, सब कुछ है गाड़ी, फुल्ली लोडेड। प्राइस क्या रखे? प्राइस 12,49,000 ओनली। 12,49 में। अच्छा, इतना अच्छा सारा कुछ। हाँ। हम लोग दे रहे हैं। ये तो गाड़ी तो एकदम धमाकेदार गाड़ी है। हाँ, हाँ। जो हाइट वाला लोग है। हाँ, हाँ, हाँ। उसके लिए ये गाड़ी एकदम ब्यूटीफुल है, कोई भी बैठ के इसके स्पेस बढ़ा है। बहुत कुछ एकदम फीचर्स आता है। VXI है, टॉप वेरिएंट में गाड़ी है। वेरी गुड। फर्स्ट ओनर। हाँ, बैक पॉकेट भी है, चारों पावर विंडो है। अच्छा, लुकिंग ग्लास इधर उधर होता है, सब कुछ इसमें है। ओके ओके, एकदम बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है। तो वैगनर का बहुत डिमांड है। वैगनर के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, डिमांड है वैगनर का। और ये भी फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर 127 नंबर है। 127 नंबर है। इसका 14 नवंबर का गाड़ी। 14 नवंबर का गाड़ी। 24 नवंबर तक टैक्स है। और टायर का कैसा कंडीशन होगा? टायर तो एकदम सभी नया है, सब नया का जैसा, न्यू टायर है एकदम, सब नया का जैसा। क्या बताएं, ये तो गाड़ी ज्यादा चला नहीं, 31 चला है। 31 सर्विस रिकॉर्ड है। सर्विस रिकॉर्ड है। अब बताइए प्राइस क्या रखे इसका? तो हम मांग रहे हैं प्राइस दीजिए। इसका 285 हम मांग रहा है। हम आपके लिए आपके लिए खाली 270 तक कर देंगे। Hyundai Accent। Accent, वाह वेरी गुड। डीजल या पेट्रोल? এটা ডিজেল। ডিজেল ডিজেল মাইলেজের রাজা। মাইলেজের রাজা একদম। দেখেন ইন এটা 15 গাড়ি। আচ্ছা 25 অফ দি ট্যাক্স পড়া আছে, পর্যন্ত ট্যাক্স আছে। আর এটা আপনার কোম্পানি ফিটেড মিউজিক সিস্টেম। আচ্ছা আপনার রিমোট কন্ট্রোল। হ্যাঁ 4 উইথ পাওয়ার উইন্ডো প্লাস ডুয়েল টোন করা। এটা ডুয়েল টোন মানে মিস করা না, এটা কোম্পানি থেকেই আসে। আচ্ছা কোম্পানি, এটা কোম্পানি থেকে আসে, অরিজিনাল আছে। ভেরি গুড। দেখুন 2,99,000 টাকা 15 গাড়ি, 25 পর্যন্ত ট্যাক্স, 44,42,000 চলা, মিন্ট কোয়ালিটি কার। ये जो कार है, ये इसका एक और खासियत जो है, स्मार्ट हाइब्रिड है। ये स्मार्ट है यानी कि माइलेज भरपूर माइलेज आपको मिल जाएगा। और ये गाड़ी 2018 की गाड़ी है। 18 की कार है, 18 की न्यू लग रहा है, न्यू लग रहा है। अच्छा, और डेल्टा वेरिएंट है ये। डेल्टा मिडिल वेरिएंट, मिड वेरिएंट है दोस्तों। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना। हाँ। तो ओरिजिनल पेंट पे है। हाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आपको मिल जाए देखने को, वो आप ऐप में चेक कर सकते हैं, वो अलग बात है। हाँ। प्राइस बताइए इसका? प्राइस है 5,60,000। 5,60,000। हाँ। टैक्स कहाँ तक बोला? टैक्स है 28 तक। 28 तक टैक्स। वैल्यू फॉर मनी कार्ड है दोस्तों, ऊपर से डिस्काउंट भी है। ये गाड़ी का और एक चीज बता देता हूँ, इसका टैक्स खत्म हो गया था। अच्छा, इस साल में। ओके। तो कार 24 का अभी ऑफर चल रहा है। हाँ। जिसका टैक्स खत्म हो गया। हाँ हाँ। वो टैक्स पेड कर दे रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, उसी इंक्लूडिंग उसी प्राइस में। उसी प्राइस में
टैक्स दे देंगे, कंपनी टैक्स पेड कर रहा है क्योंकि ये भी ऑफर चल रहा है। अगर आप कभी कोलकाता में चल रहे हैं जी, तो आप चाहे तो वार्म लाइट भी ऑन करके चल सकते हैं, उसका भी पावर अच्छा है। आप अगर ऐसे आपको मैं आपको चाहिए नहीं हमको व्हाइट यूज करना है, तो आप व्हाइट भी यूज कर सकते हैं। आप हाईवे में है तो आप येलो भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसको एक बार ऑन करके आपको हम दिखा दे रहे हैं, दिखाइए। फिर इसका एक और फीचर आपको बता दिया जाएगा, जैसे ये अभी जो ऑन हुआ ये व्हाइट है। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट है बैकग्राउंड में, हम लोग कोशिश कर रहे दिखाने की। हाँ, ये मेनली देखिए फोकस जी, जितना दूर जाएगा उतना अच्छा फोकस आएगा। लेकिन ऑफ की हम फिर ऑन की येलो एसेंशियल प्रोडक्ट है, सोचिए। और इसके बाद ये जो हम जिसके बारे वॉर्म के बारे बात कर रहे हैं, ये वॉर्म है, ठीक है ना। तो ये तीन कलर आता है इसपे, फैंटास्टिक। तो इसपे भी बहुत क्वालिटी है, जैसा क्वालिटी जैसा बजट क्वालिटी का लेना चाहे, जो वारंटी का प्रोडक्ट लेना चाहे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको आप हाई बीम का फीचर भी एक्टिवेट करा सकते हैं। अच्छा, यानी कि डीपर, ये फीचर सिर्फ उनके लिए जो हाईवे रन ज्यादा कर रहे हैं, कोलकाता के अंदर हम जो चला रहे हैं उनके लिए फीचर नहीं। आप चाहे तो हम कनेक्शन कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये आप मतलब फोर्ड इंटरनेशनल टाइटेनियम ऑटोमेटिक टॉप एंड वर्सन ऊपर से ऑटोमेटिक क्या बात है। आपका गाड़ी लगभग पूरा ओरिजिनल पेंट में है, न्यू जैसा टायर है, न्यू जैसा सीट कवर है, एयर बैग, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल, एकदम कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, फुल्ली लोडेड अलॉय व्हील, जो इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम में जो जो फीचर्स आता है एकदम फुल्ली लोडेड है, गाड़ी ऑटोमेटिक है, पूरा मिंट कंडीशन गाड़ी है। जी जी बिल्कुल, गाड़ी आके चलाएंगे तो न्यू गाड़ी का फीलिंग आएगा सचमुच। और कलर क्या है, रूपो ठीक है, सिल्वर कलर, चांदी का कलर है जी। तो इसका जो आस्किंग प्राइस है हम लोगों का 499 17 का गाड़ी है, 27 तक टैक्स पेड किया हुआ है, 40,000 ऐसा कुछ चला हुआ है, लगभग गाड़ी पूरा ओरिजिनल पेंट में है, ट्रॉक्टर ड्रिविन कार है। अच्छा, इसका जो आस्किंग प्राइस है 499 ओनली, 4,99,000 टका। 4,99,000 और कुछ कहने का तो है नहीं, बस फैंटास्टिक कलेक्शन, एकदम स्विफ्ट डिजायर, अपना प्रिय गाड़ी। এটা 2022 এর গাড়ি, 22 এর গাড়ি, ইয়েস 2022 এর গাড়ি, কমাল কর দিয়া আজ, 21 এর গাড়ি, 22 এর গাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন একবারে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনের গাড়ি। গাড়িটা চলা শুনবেন, হ্যাঁ বলুন স্যার, মাত্র 8,000 চলা, 8,000 কিলোমিটার, 8,000 কিলোমিটার চলা মাত্র, এয়ার ব্যাগ থেকে শুরু করে এভরিথিং। আর টায়ার ব্যাগ কেমন কন্ডিশন? টায়ার এর স্টেপনি এখনো মাটিতে পড়ে, স্টেপনি মাটিতে পড়ে, এখনো মাটিতে পড়ে, শুনুন স্টেপনি আনইউজড, টায়ার এখনো পর্যন্ত এই সুতো দেখা যাচ্ছে, সুতো সত্যি কথা, মানে গুটি যেটাকে বলি আমরা, টায়ারের গুটি পর্যন্ত এখনো দেখা যাচ্ছে। আর কালার তো অরিজিনাল 100% ওয়াও। বলুন এর প্রাইস কি রেখেছেন? বলুন এটার দাম আছে আপনাদের, আপনার জন্য 649, কিছু কম বেশি হবে না আপনার ভিউয়ার্সের জন্য, নিশ্চয়ই 20,000 ডিসকাউন্ট। ये वाला गाड़ी तो एकदम नया गाड़ी है। अच्छा, 10,000 किलोमीटर चला हुआ है, ऑटोमेटिक गियर, 20 का न्यू सेव, एक पीस रंग नहीं किया हुआ, पूरा टोटल ओरिजिनल पेंट गाड़ी, ओरिजिनल पेंट है एकदम। हाँ, ये तो ये ऑप्शनल मॉडल है, इसमें चारों पावर विंडो है। अच्छा, चारों पावर विंडो है। ओके, कंपनी म्यूजिक सिस्टम, एयर बैग, सब कुछ है, सब कुछ है। स्टेपनी तो यूज नहीं हुआ, स्टेपनी अभी तक नहीं हुआ। कलर ओरिजिनल पेंट है, पूरा ओरिजिनल पेंट, फुल टोटल ओरिजिनल पेंट है। ये भी फर्स्ट ओनर है क्या? ये भी फर्स्ट ओनर है, क्या बात है, ये भी फमल कर दिया, ये तो 100% फाइनेंस हो जाएगा। किसी का अगर प्रोफाइल अच्छा रहे तो 100% फाइनेंस तो होनी चाहिए भाई, एकदम। इसका हम दाम मांग रहा था 4,20,000। अच्छा, आपके लिए कोई आएगा 4,00,000, 4,00,000, 4,00,000। चलिए और थोड़ा कम कर दीजिए, 399 कर दीजिए। चलिए 399, कम से कम 4,00,000 खराब लगता है भाई सुनने जी में। जी जी, वो 399 20 की कार है दोस्त, का गाड़ी है, 10,000 किलोमीटर चली हुई है। आपको अगर माइलेज वाली कार चाहिए, ऑटोमेटिक गियर, आपको अगर বর্তমান আমরা যে যুগে দাঁড়িয়ে আছি, এখন জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, প্লাস এত গাড়ি ঘোড়া, সব গাড়িতে হয় ডিজেল নাই পেট্রোল, এই জন্য পরিবেশে আমাদের পেট্রোল মানে ডিজেল পুড়ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড গুলো আমাদের পরিবেশে আসছে, পরিবেশে আসার ফলে দূষণ সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে কি হবে, এখন আমাদের সরকার থেকেও বলেছে আপনারা দূষণ কমানোর জন্য চাপ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে টাটা মোটরস কি করলো, আমাদের একদম পেট্রোল ডিজেল ছাড়া ইভি গাড়ি নিয়ে এলো, যে গাড়িটা হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র ব্যাটারিতে চলবে, ব্যাটারিতে চলা মানে গাড়িতে আমাদের কি নেই, ইঞ্জিন নেই, কোনো তেলের পাইপ নেই, যেহেতু তেল দিচ্ছে না বলে আমাদের এইসব লাগছে না, ইভিটা চলে আসলে আমাদের কি হবে, সেক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশে কোনো কিছু দূষিত কার্বন মনোঅক্সাইড বলুন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড কিছুই এখান থেকে বেরোবে না। ওকে, সেক্ষেত্রে দূষণের মাত্রা একদম আমরা জিরোতে চলে যাবে, এবং পরবর্তীকালে আগামী জেনারেশন সম্পূর্ণ ইভিতে শিফট করবে, কমার্শিয়াল হোক বা প্রাইভেট, প্রাইভেট গাড়ি বলুন, যেই গাড়ি সবই ইভিতেই আসবে। বাহ,
ক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশ সচেতন যেহেতু আমাদের দেখুন পরিবেশকে বাঁচাতে গেলে আমাদের এটা করতেই হবে।